महमूद उस पुराने बरगद के पेड़ सा था। उसके हाथ भी झुर्रियां भरे कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए थे। बरगद की जड़ों की तरह अली तो उस छोटे मिमूसा के पेड़ की तरह था, जो कि आंगन के दूसरे कोने में बोया गया था। 2 साल में अली और मिमूसा का पेड़ दोनों ही तरुणाई की ताकत और आत्मविश्वास पा जाएंगे। सड़क की आवाज़ें धीमी होने लगी। महमूद को लगा शायद उसे नींद आ रही है और वह फिर सपने देखेगा। कभी कभी वह पतंगों के सपने देखता था, एक ऐसी पतंग का जो हिंदुओं के भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ की तरह सुंदर और ताकतवर दिखती होगी। वह अली के लिए एक बहुत ही गजब की पतंग बनाकर जाना चाहता था। अली के लिए छोड़ने को उसके पास और क्या था? दादा जान, अली की आवाज़ बहुत दूर पर सुनाई दी। उसे नहीं समझ आया कि अली उसे ही पुकार रहा है। ऐसा लग रहा था कि आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। अली आंगन के दरवाजे पर खड़ा पूछ रहा था, क्या अम्मी बाजार से लौट आई है? महमूद कोई जवाब नहीं दिया। अली ने दोबारा पूछा और दादा की तरफ बढ़ा। बूढ़े के सिर पर धूप तिरछी पड़ रही थी और एक छोटी तितली उसकी बड़ी सी दाढ़ी पर बैठी थी। महमूद चुपचाप था। अली ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे पर महमूद ने कुछ नहीं किया। बस एक आवाज़ सी आई, जैसे अली को जेब में रखे कंचे जब आपस में रगड़ते थे तब आती थी। अली एकदम से घबरा गया और दरवाजे की तरफ वापस गया। सड़क पर दौड़ते हुए जोर जोर से अपनी माँ को बुलाने लगा। तितली बूढ़े आदमी की दाढ़ी से उठकर मिमोस के पेड़ पर जाकर बैठ गई। हवा का झोंका आया और उसने पेड़ में फंसी पतंग को निकाल कर हवा में ऊंचा फेंक दिया। वह फटी पतंग उस कसमकस से भरे शहर से निकलकर अनजान नीले आसमान में कहीं चली गई। Thank you for listening. This was the last part from our series of audio storytelling of the story Patangwala by Ruskin Bond. Through this activity, we worked on expressions, speech, pronunciation, diction, acknowledging punctuations. And along with this activity was an effort towards creating something together as a team. Thank you for being here. Thank you. 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 Thank you.